नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे आज डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की। आज मैं 9 ऐसे टिप्स बताऊंगा, 9 ऐसे नियम बताऊंगा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए। अगर उस पर आपने सही ढंग से अमल किया, उसको फॉलो किया, तो डेफिनेटली आपकी डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी बन पड़ेगी। देखिए, डॉक्यूमेंट्री तो ऐसे बहुत साल पहले से बनता आ रहा है हमारे देश में। देखिए, हमारे देश में जो डॉक्यूमेंट्री बनती आ रही थी पहले ज़माने में, वो कुछ अलग होती थी। चाहे वो दूरदर्शन का डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, या फिल्म डिवीज़न की जो भेंट होती थी डॉक्यूमेंट्री के लिए, उसकी जो डॉक्यूमेंट्री की क्वालिटी होती थी वो अलग होता था। उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता था। फिल्में डेफिनेटली बहुत अच्छी होती थी, लेकिन लोगों को देखने में रुचि नहीं होता था। उसे लोग या तो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते थे, या फिर मजबूरी में देखते थे। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो सिनेमा हॉल में हम लोग जाते थे, तो पहले फिल्म डिवीज़न की भेंट वाली डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती थी। उसे देख करके भी मुझे अच्छा लगता था, हम सबको अच्छा लगता था। इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि मालूम है कि इसके बाद मेन फिल्म स्टार्ट होने वाली है। इसलिए हम लोग वो डॉक्यूमेंट्री, उससे पहले जो प्रचार आता था, वो सब भी देख करके लोग खुश हुआ करते थे उस समय। लेकिन आज नहीं, आज इतने सारे विकल्प हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्री अगर थोड़ा सा भी बोर करने वाली होती है या उबाऊ होता है, तो लोग उसे स्विच कर जाते हैं, दूसरे तरफ चले जाते हैं, दूसरी डॉक्यूमेंट्री या दूसरी फिल्म देखने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ वो 9 कारण। इससे पहले कि मैं आपको 9 कारण बताऊं, मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्री होता क्या है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म नाम क्यों पड़ा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स और कमेंट्री, इन दोनों को मिला करके डॉक्यूमेंट्री बन जाते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है जो पत्रावली, जो आपके इन्फॉर्मेशन है, वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में होते हैं, जो कागजात होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो कमेंट्री है, यानी उस पर जो टिप्पणी किया गया है या उस पर जो वक्तव्य है आपका, उन दोनों को मिला देने से डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। और इस तरह की जो फिल्में होती है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहलाती है। हमारे यहाँ जसवंत नगर में जो रामलीला होती है वो एक ऐतिहासिक रामलीला है। अब डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जो 9 नियम मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप, उसमें से कई नियम आप जानते हैं, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से अगर आप जानेंगे तो बेटर रहेगा। फर्स्ट है, चूज एन आइडिया। कोई भी चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको आइडिया की ज़रूरत होती है ना। आइडिया नहीं रहेगा तो आप बनाएंगे किस चीज़ पर। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए जो आइडियाज़ हैं वो हैं पर्सनैलिटी, यानी कोई व्यक्तित्व के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, प्लेस के ऊपर, इन्वेंशन या इनोवेशन के ऊपर बना सकते हैं, इंसिडेंट के ऊपर यानी कोई घटनाक्रम के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, रिलीजन, स्पोर्ट्स, साइंस, मोनूमेंट्स, सोशल वर्क, अचीवमेंट्स, ट्रैवल, क्राइम, किड्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जैसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सोचना है कि आपको डॉक्यूमेंट्री किस सब्जेक्ट पर बनाना है, जिस पर आपकी महारत हो, यानी जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हो, उस पर अगर आपने डॉक्यूमेंट्री बनाया तो वो ज़्यादा सक्सेस होने की उसकी गुंजाइश होती है। तो पहले आपने आइडिया ले लिया कि इस सब्जेक्ट पर बनाना है, उसका कुछ थीम आपने तैयार कर लिया। सेकेंड पॉइंट है, डीप रिसर्च। देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है प्री प्रोडक्शन के दौरान, वो है डीप रिसर्च। क्योंकि अगर उस पर आप बढ़िया रिसर्च किए रहेंगे, आपकी अगर टीम है, या खुद अगर आप बना रहे हैं, आपके पास बजट कम है तो आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो जो इंटरनेट के जरिए आपको रिसर्च करने में मदद मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसे गूगल पर आप उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए जिस सब्जेक्ट पर भी आप करने जा रहे हैं, और नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या वीम्यू जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर अगर इस तरह का, या डिस्कवरी चैनल है, उस पर अगर इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी है तो उसको देख सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ लोगों ने दिखा दिया है और हमें उससे ज़्यादा क्या दिखाना है। तो इन चीज़ों को आप नोट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। स्क्रिप्ट लिखने के पहले जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके पास बेहतर हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आप रिसर्च इस तरह से भी कर सकते हैं, डीप रिसर्च, कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप कर रहे हैं वहाँ के लोगों, वहाँ के जो लोग हैं या उसके जो ऐसे जानकार व्यक्ति है जो उसके बारे में काफ़ी चीज़ जानता हो, तो उनका आप इंटरव्यू लेते समय उन चीज़ों को नोट करिए जो उसके बारे में वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। हो सकता है वो कुछ लिखित रूप में बुक्स दें, किताब दें, पांडुलिपि दें, या खुद अपना कुछ अनुभव दें, तो उन चीज़ों को भी नोट करके आप रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ अच्छा है, क्योंकि कई चीज़ ऐसे होते हैं जो गूगल में भी नहीं मिलते हैं, या इंटरनेट पर नहीं मिलते हैं, या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आपको वहाँ जाकर, जैसे आप चाहते हैं कि ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देना जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है, या उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री है ही नहीं, तो उसके लिए आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा। तो वो आपको इंटरनेट पर हो सकता है ना मिले, वहाँ के लोगों से मिले, कुछ ऐसे बुजुर्गों से आपको सुनने को मिले जो आपको लगे कि ये तो नई चीज़ है। उनका आप दो काम करिए, एक तो उनका इंटरव्यू ले लीजिए जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, और दूसरा उनसे आप डॉक्यूमेंट्स को नोट करके, नोट डाउन करके, स्क्रिप्ट के लिए आप अपने रिसर्च कंप्लीट करिए। तीसरा, कंप्लीट योर फर्स्ट ड्राफ्ट स्क्रिप्ट।
देखिए यहाँ पर कंप्लीट स्क्रिप्ट नहीं, यानी फाइनल ड्राफ्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर पहला ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। यही है फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में डिफरेंस। फिल्म कंप्लीट या फाइनल ड्राफ्ट के बाद शूट चालू होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद स्टार्ट करना पड़ता है। क्यों, वो आगे कारण आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप जब शूटिंग के लिए तैयार होकर जाने वाले हैं तो आपके पास कुछ स्क्रिप्ट तो होनी चाहिए ना, कि स्टार्टिंग में क्या बोला जाएगा, क्या वॉइस ओवर में रहेगा, या कोई एंकर अगर बोलेगी या बोलेगा तो क्या बोलेगा। इन चीज़ों का आप तो स्क्रिप्टिंग कर लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद लोग क्या बोलेंगे, किस तरह के आपके इंटरव्यूज़ होंगे, किस तरह के आपके जो बाइट्स हैं, साउंड बाइट्स हैं, वो कैसे होंगे, अभी आप नहीं जानते हैं। हल्का फुल्का आपको आइडिया है कि मुझे इस तरह के ही बाइट्स लेने हैं, इस तरह के ही इंटरव्यू लेना है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो जब आएगा तब फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। अभी आपको फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करना है। फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करते समय आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है कि इस जो डॉक्यूमेंट्री आप बना रहे हैं उसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, यानी नायक कौन है, किसके ऊपर बेस्ड है, तो उसको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको फोकस करना पड़ेगा अपने जो आप लक्ष्य चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, आप दर्शकों को जो बताना चाहते हैं उस लक्ष्य से भटकिए नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने ताजमहल का जिक्र किया कि ताजमहल के ऊपर आपको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है, आप वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ ताज महोत्सव चल रहा है, आप ताज महोत्सव की शूटिंग बहुत सारा कर लिए और उसी पर आपने ध्यान अपना आकृष्ट कर लिया और उसको ही लेकर के आपने बना लिया, जबकि आप सोचे थे ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जिसमें आप ताज के उन ब्लैक पक्षों को बता सकते हैं या उन जो अनरिलीज्ड पक्ष है उसको आप उजागर करना चाहते हैं जो अब तक नहीं सामने आया था, लेकिन वहाँ भटक जाते हैं। तो अपना लक्ष्य क्लियर रखिए कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, तो उस पर अगर आपका लक्ष्य टिका रहेगा तो बेहतर डॉक्यूमेंट्री बन पाएगी। और तीसरा होता है कि इसका स्टोरी स्ट्रक्चर, कि आपकी डॉक्यूमेंट्री भी एक स्टोरी की तरह होना चाहिए। सिर्फ अगर इन्फॉर्मेशन देते रहें तो वही दूरदर्शन वाली डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, यानी इन्फॉर्मेशन तो रहेगा, मनोरंजन नहीं रहेगा, इसलिए उसमें आपको एक स्टोरी लाना पड़ेगा। चाहे वो एंकर अपने ढंग से स्टोरी टेलिंग करते हुए जाए, उसमें आप पिक्चर, ग्राफिक्स, एनिमेशन दिखाएं, या कुछ पोर्शन को डॉकू ड्रामा की तरह शूट करें, यानी फिक्शन शूट करें, तो इस तरह की चीज़ें भी आपकी डॉक्यूमेंट्री को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। जो इधर बीच की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उसमें डॉकू ड्रामा जरूर रहते हैं, यानी कुछ फिक्शन पार्ट भी रखते हैं, ताकि लोग उस चीज़ को वहाँ पर लिख देते हैं कि भाई इसको काल्पनिक रूप से शूट किया गया है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये नाट्य रूपांतरण है, लेकिन उसकी शूटिंग इतनी प्रॉपर करते हैं ताकि लोगों को उसमें इंटरेस्ट रहे। उसके बाद फिर से वॉइस ओवर आ सकता है, एंकरिंग आ सकती है, या किसी का इंटरव्यू आ सकता है, फिर वो ड्रामा आ सकता है, वो फिक्शन आ सकता है, इस तरह से आप मनोरंजक बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का स्क्रिप्ट लिखते समय पहले ही ध्यान रखें कि फाइनल ड्राफ्ट भी इतना अच्छा हो ताकि लोगों को पढ़कर लगे कि यार अच्छा डॉक्यूमेंट्री बन सकती है इस पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, मेक ए प्रोडक्शन प्लान। आप अब प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि कौन कौन से इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे, कौन से क्रू को आप साथ लेकर जाएंगे, मैंने किस तरह के लोगों को, कैमरामैन को लेकर जाएंगे या स्क्रिप्ट राइटर को लेकर जाएंगे, या खुद ही स्क्रिप्ट राइटर आप हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक असिस्टेंट को लेकर जाएंगे, कोई साउंड ऑपरेटर को लेकर जाएंगे जो साउंड की रिकॉर्डिंग अच्छी करे, तो आपके लिए कौन कौन से एसेंशियल क्रू है उसका लिस्ट, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिन गियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनके बारे में आपको नोट करके रखना पड़ेगा। आप कैसे जाएंगे वहाँ पर, कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, इन चीज़ों का एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए ताकि आप वहाँ जा कर के ये असमंजस में ना पड़ जाएं कि अब मैं क्या करूं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, यह है प्रोडक्शन पॉइंट, यानी स्टार्ट शूटिंग। अब आपको शूटिंग करना है, आपके पास एक फर्स्ट ड्राफ्ट का स्क्रिप्ट है, उसके हिसाब से अगर एंकरिंग का पार्ट है तो एंकर लिंक शूट करिए, अगर आपको इंटरव्यू करना है तो इंटरव्यू को शूट करिए, अगर आपको जो चीज़ दिखाना है उसकी मेन शूटिंग करनी है उसको प्रॉपर वे से शूटिंग करिए, क्योंकि आपने उससे पहले शॉट बना के रखा है। प्री प्रोडक्शन के दौरान एक चीज़ मेरा छूट गया था कि शॉट बना के रखिए, शॉट डिवीज़न करके रखिए कि आपको कौन कौन सा शॉट जरूरी है, मतलब अगर आपने वॉइस ओवर रखा है या एंकरिंग पार्ट रखा है, या आप जानते हैं इंटरव्यू में लोग इस बारे में तो ज़रूर बोलेंगे, तो उसमें कौन कौन से शॉट आपको शूट करना है वो आप जरूर नोट करके रखिए। तो उसके हिसाब से आप दो तरीके से शूट कर सकते हैं, एक तो ए रोल शूटिंग, फिर बी रोल शूटिंग। ए रोल शूटिंग और बी रोल शूटिंग के बारे में आप जानते होंगे जिन्होंने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है कहीं से भी, या हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारा जो ऑनलाइन का कोर्स किया है, उनको मालूम है कि ए रोल शूटिंग, बी रोल शूटिंग क्या होती है। नॉर्मली आपको बता दें, जो इंटरव्यू पार्ट है, जो एंकरिंग का पार्ट है, जो उसको डायरेक्ट हम ले करके शूट करते हैं, उसे ए रोल की शूटिंग कहते हैं। और बी रोल का मतलब जो इंसर्ट पार्ट होता है, यानी उसके बाद, जैसे किसी ने बोला कि ताजमहल के चार गुंबद हैं,
तो चार गुंबद, अब चार वो गुंबद अगर अलग अलग आप दिखा रहे हैं तो दैट इज इंसर्ट पार्ट, तो उसे आप कहते हैं बी रोल। तो बी रोल की काफ़ी शूटिंग करके रखी है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्री है जो एडिटिंग के बाद खूबसूरत लगने वाला है वो बी रोल से ही लगने वाला है। वो शब्द को ऐसे रखते थे आपको लगेगा जैसे कोई जौहरी आपको एक एक तराशा हुआ हीरा दिखा रहा है। शूटिंग के दौरान ही आप इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज को खोजिए इंटरव्यू के लिए। एक तो इंटरव्यू के लिए वो लोग हैं जो उसके विशेषज्ञ हैं, उनका तो आप जैसा भी पर्सनालिटी हो आप शूट करेंगे, उनकी पर्सनालिटी यानी उनकी बौद्धिक क्षमता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग अगर आपको नॉर्मल वहाँ के जनता का शूटिंग करना है या कुछ लोगों की शूटिंग करना है, वहाँ की भीड़ का या वहाँ पर रहने वाले किसी बुजुर्ग का, तो वो अतरंगी होना चाहिए, उनका वेशभूषा या बोलने का तरीका कुछ डिफरेंट हो, तभी ये इंटरेस्टिंग पर्सन ढूंढने में आपको थोड़ा सा तकलीफ जरूर होती है, लेकिन जब ढूंढ लेते हैं ना तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट्री है उसका हीरो बन जाता है। यानी हीरो तो नहीं बन जाता है, हीरो नायक तो कोई दूसरा है, लेकिन वो पोर्शन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक इनुकी कहते नहीं हुक्का ये बचपन में पींदे आ रहे हो? बचपन में। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डॉक्यूमेंट्री के अंदर इंटरव्यू और साउंड बाइट्स बहुत ज़रूरी होता है शूट करना, और इसके लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप मेन लोकेशन जहां पर आप शूट करने गए हैं, जिन चीज़ों के बारे में दिखा रहे हैं, जो आपका मूल वस्तु है डॉक्यूमेंट्री का, जिस पर आपको फोकस करना है, उस लोकेशन पर ही शूट कर लीजिए उनको। बैकग्राउंड को थोड़ा सा डिफोकस रखकर, यानी आप मैक्सिमम ओपनिंग पर शूट कर लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो फिल्टर का यूज़ करिए ताकि पीछे का चीज़ें थोड़ा ब्लर दिखाई दे और सामने से कोई बोल रहा है हाँ, लेकिन अगर वहाँ पर बोलता हुआ व्यक्ति किसी चीज़ को इंगित कर रहा है तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ब्लर नहीं होना चाहिए, यानी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होने का मतलब है पीछे की चीज़ भी क्लियर हो, तो वहाँ पर आपको एपर्चर को कम करना होगा, यानी एक पॉइंट बढ़ाना होगा। आप 16:22 अगर डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो उस पर अगर शूट करेंगे तो बैक की चीज़ें भी आपको क्लियर दिखाई देगी। वहाँ पर क्या होता है कि कोई आदमी दिखा सकता है कि ये देखिए यहाँ पर ये है ऐसे। दूसरा चीज़ कि आप ब्लैक बैकग्राउंड में भी इंटरव्यू शूट कर सकते हैं। देखिए ब्लैक बैकग्राउंड में इंटरव्यू बहुत अच्छा लगता है। देखिए वाइट बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्री में तो नहीं है, लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड पर अगर एक तरफ से लाइट दे रहे हैं, थ्री पॉइंट लाइट्स आप दे रहे हैं, बैक लाइट थोड़ा दे रहे हैं, सामने से थोड़ा सा फील लाइट दे रहे हैं और एक साइड से ज़्यादा लाइट दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो लुक है वो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। और इसको सेट करना ज़्यादा नहीं है, एक ब्लैक कपड़ा बड़ा सा ले लीजिए और तीन छोटे छोटे एलईडी लाइट्स से भी आप काम कर सकते हैं। अगर एलईडी लाइट नहीं है तो भी खिड़की के पास या डे लाइट दे करके भी आप अगर एपर्चर पर कंट्रोल करके करेंगे तो बहुत बेहतरीन शूट हो सकता है। पीछे का चीज़ ब्लैक भी दे सकते हैं या डार्क बैकग्राउंड कर सकते हैं, ऐसे जगह पर आप बैठा सकते हैं जिसके पीछे छायादार वृक्ष हो तो वो भी ब्लैक हो जाता है। शूटिंग के समय एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है कि मेक योर सब्जेक्ट कंफर्टेबल। जो आपका सब्जेक्ट है जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं या बाइट ले रहे हैं उन्हें आप कंफर्टेबल फील कराएं। देखिए मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, ये कैमरे की तरफ मैं देख कर बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं लेंस की तरफ देख रहा हूँ। लेकिन हर लोग इस ढंग से बात नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग ना घबरा जाते हैं, जब आप कैमरा ऑन करेंगे उनको बोलने के लिए बोलेंगे तो सही नहीं बोल पाएंगे। उस समय क्या करिए कि जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है, यानी आप डायरेक्टर आप हैं, तो आप साइड में बैठ जाइए, जैसे यहाँ पर, अब आप उनसे बात करिए। जैसे मैं इन आपकी तरफ देखकर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं देख रहा हूँ, देखिए साइड में देख रहा हूँ, तो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि डॉक्यूमेंट्री कैसे शूट किया जाता है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी देख के बोल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस साइड में, यानी दूसरा कोई व्यक्ति या डायरेक्टर इधर बैठा हो, यानी कैमरे के लेफ्ट या राइट, तो वहाँ पर भी देख करके अगर आप शूट करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो कंफर्टेबल महसूस करता है। अभी आपने रियलाइज करा आप कितने बड़े आदमी? कहता मैं कितने बड़े? 5'7". वो लोगों से बात करता है, और बात करते समय आप इतने सारे क्वेश्चन कर लीजिए, उसमें से लेना तो आपको दो लाइन है, लेकिन उनसे पहले नाम पूछिए, हाल चाल पूछिए। दूसरा दिन बात करते करते जैसे ही उनको ऐसा लगे कि वो कैमरा को भूल चुके हैं, तब असली मुद्दे पर आकर के उनसे बात करिए। इससे आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको मिलेगा और नेचुरल मिलेगा, क्योंकि लोग नेचुरल चीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कैमरा की तरफ देख कर ही बात की जाए। वो जीता तो इसलिए उसने एल्बम का नाम भी साउंड अफेयर रखा है। शूटिंग के समय आपको लाइटिंग का ध्यान देना पड़ेगा कि कीप लाइटिंग वेरी नेचुरल। आपको लाइटिंग कहीं से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्री के लिए अलग से लाइट लगाया गया है। देखिए यहाँ पर तो सामने से एक लाइट आ रही है और उस पर मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन यही अगर डॉक्यूमेंट्री मैं शूट करता ना तो कभी भी फ्रंट से लाइट नहीं देता, मैं साइड से लाइट देता और एक तरफ से हल्का कुछ हम फिल लाइट के लिए दे देते, या अगर हम कोई विंडो के पास हम बैठा दिए, या हम आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो खोजते कि कहाँ पर ऐसा लाइट मिले जो नेचुरल लाइट मिल रहा हो,
और वहाँ पर शूट करते एक साइड साइड अगर डार्क भी आ रहा है चलेगा, लेकिन नेचुरल लाइट का ज़्यादा लोग वो प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो आपका अगर अवार्ड विनिंग किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में भी आप ले जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हीं डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिलता है जो नेचुरली शूट किया गया है। आप चाहे लाखों रुपये का लाइटिंग करके शूट करेंगे उसको अवार्ड नहीं मिलेगा, जबकि आप सिंपल एक मोबाइल फ़ोन अगर स्मार्टफोन भी अच्छा ले जा रहे हैं और शूट करने का तरीका हो जिन इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हुए शूट करेंगे तो हो सकता है उसको डॉक्यूमेंट्री में फर्स्ट अवार्ड मिल जाए, अच्छा अवार्ड मिल जाए, क्योंकि आपने नेचुरल हर चीज़ रखा। अब साउंड के बारे में बताएंगे आगे, लेकिन लाइटिंग को नेचुरल रखिए, ये चीज़ आप जान लीजिए। लाइटिंग जितना नेचुरल होगा उतना ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपकी अच्छी होगी। शूटिंग करते समय आपको ढेर सारे एंगल्स मूवमेंट और शॉट लेने पड़ते हैं। देखिए आप जैसे किसी का बाइट भी ले रहे हैं ना, तो कभी बहुत क्लोज कर लीजिए एक बार, अगर हो सकते हैं तो दो कैमरा तीन कैमरा भी लगा सकते हैं, या उन्हीं से दो बार आप बाइट करिए, एक बार एक अलग एंगल पर और एक बार दूसरे एंगल पर। एक रूटीन है ना ये सब, ये भगवान का काम है और कोई भी चीज़ होता ही है वैसे। उसी तरह से जो मेन चीज़ की शूटिंग है उसको भी ढेर सारे एंगल से शूट करिए, ढेर सारे मैग्नीफिकेशन पर शूट करिए, आप गिम्बल का यूज़ करिए। कई बार होता है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं चलते हुए तो गिम्बल पर खड़ा करके गिम्बल पीछे चलते हुए जा रही है, और आजकल गिम्बल सिंपल है, नॉर्मल है, बहुत कम रेंट पर आपको मिल जाएगा, खरीदेंगे भी तो बहुत कम पैसा हो गया, उसका कीमत बहुत कम हो गया है पहले से। मिररलेस कैमरा या किसी भी मोबाइल पर भी आप गिम्बल लगा कर शूट करेंगे तो लुक अच्छा लगता है, आपको स्मूथ मोशन मिलता है। तो इनका ध्यान रखिए कि ढेर सारे एंगल्स, ढेर सारे शॉट्स और ढेर सारे मूवमेंट का यूज़ करिए ताकि कहीं भी बोरिंग ना होने पाए, ठहरने ना पाए आपकी डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री हमेशा रनिंग होना चाहिए। देखिए शूटिंग करते समय पे अटेंशन टू साउंड का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, यानी आपको अटेंशन देना पड़ेगा साउंड की क्वालिटी पर, क्योंकि साउंड अगर अच्छा नहीं होगा ना तो आपकी डॉक्यूमेंट्री पर किया गया सारा मेहनत बेकार हो जाता है। वैसे किसी भी फिल्म के लिए लागू होता है कि साउंड अच्छा होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि वॉइस ओवर तो स्टूडियो में चूंकि रिकॉर्डिंग होती है उसकी आवाज़ अच्छी आएगी, लेकिन ग्राउंड पर जाकर के जहाँ पर फ्रंट पर जाकर के आप शूटिंग करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं या कोई किसी की आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, एंकर की शूटिंग करते हैं, तो उस समय अगल बगल की साउंड तो आएगी, वो नेचुरल है, लेकिन उसकी अपनी साउंड बहुत क्लियर होना चाहिए, यानी माइक ऐसा होना चाहिए ताकि वॉइस क्लियर हो। Yes. Yeah. Of course. That would be perfect. यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि आप जब इस तरह की रिकॉर्डिंग कहीं भी करेंगे ना, आवाज़ की शूटिंग कर रहे हैं या इंटरव्यू कर रहे हैं या एंकरिंग की शूटिंग कर रहे हैं, उस दौरान अलग से एटमॉस्फियर की भी साउंड अलग से रिकॉर्ड कर लीजिए। चाहे अगर अलग से डिजिटल रिकॉर्डर हो या मोबाइल पर माइक लगा कर करना हो या सिंपली कैमरे पर भी शूट कर लीजिए ब्लैक लगा कर, क्योंकि उसके वीडियो से मतलब नहीं, उसकी साउंड की क्वालिटी यानी जो एटमॉस्फेयर की आवाज़ है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर लकड़ी के खिलौने का कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो खिलौने अगर बन रहे हैं तो लकड़ी काटा जाता है, घिसा जाता है, तो घिसने काटने की आवाज़ अलग से शूट कर लीजिए। कोई हथौड़ी चल रहा है तो हथौड़ी की आवाज़ अलग से माइक नज़दीक ले जाकर शूट कर लीजिए। ये सारा साउंड जब आप एडिटर को देंगे ना तो एडिटर खुश हो जाएगा, क्योंकि उनको एडिटिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इसका ध्यान रखिएगा कि साउंड की क्वालिटी आप बेहतर रखिए, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ आप ना करें। देखिए अब आप अपनी शूटिंग का काम कर चुके हैं, अब आप वापस आ गए हैं और यहाँ पर ज़रूरत है फाइनल स्क्रिप्ट की, यानी अब आप फाइनल ड्राफ्ट बना रहे हैं एज पर फुटेज जो आपने फुटेज शूट करके लाए हैं, चाहे एंकरिंग का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, बाइट्स का हो, या जितने भी तरह के फुटेजेस हैं बी रोल के भी, उनको देख करके फिर से आप फाइनल ड्राफ्ट लिखिए, क्योंकि कई चीज़ें आपने छोड़ दिया था अब आप करेंगे, क्योंकि अब वॉइस ओवर के साथ आप ये मिक्स करेंगे कि इन्होंने ऐसा बोला, उसके बाद उनकी इंटरव्यू का वो पार्ट जो दो लाइन का है वो लगाया। कहा जाता है कि काशी की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन न हो। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के मूल में काशी के बाबा विश्वनाथ ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्क्रिप्ट फाइनल स्क्रिप्ट में करना पड़ता है। उसमें दो चीज़ करना है, एक तो वॉइस ओवर में आपको करेक्शन करना है और किस जगह पर किसका बाइट लगना है और कितना पोर्शन लगना है, दो लाइन लगना है, एक लाइन लगना है, लास्ट का पोर्शन लगना है, उसका फिर वापस लगना है, ये सारी चीज़ें आप नोट करके रख देंगे और साथ ही लिखेंगे बगल में कि इस जगह पर बी रोल का कौन सा शॉट दिखाना है, ताकि एडिटर के सामने ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये स्क्रिप्ट दो लोगों को काम में आती है, एक तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में आपको पोस्ट प्रोडक्शन का काम करना है तो वहाँ पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट की इसकी जरूरत पड़ती है कि वो क्या वॉइस ओवर करेंगे, क्या रिकॉर्डिंग करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट पोस्ट प्रोडक्शन की, एडिट वाइजली, यानी बुद्धिमता ढंग से आप एडिटिंग का काम करें।
इसमें आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आप एडिटिंग से पहले आप वॉइस ओवर करा लीजिए, वॉइस ओवर अच्छे साउंड से कराइए, अच्छी आवाज़ से कराइए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मोटी और गंभीर और बेसदार साउंड से ही आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं। कई बार नॉर्मल जो आवाज़ होती है उस पर भी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगती है। आप देखेंगे आजकल के जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उसमें पहले ज़माने की तरह बेस वाला वॉइस जो होता है गंभीर आवाज़, ऐसा आवाज़ नहीं होता। अब नॉर्मल साउंड में भी डॉक्यूमेंट्री होती है, बस उनकी आवाज़ में ऐसी बात हो कि लगे लोगों को कि मैं सामने से देख रहा हूँ, यानी स्टोरी टेलिंग उनकी आवाज़ में होना चाहिए। ऐसी आवाज़ आप खोजिए ना, आप खुद बोल सकते हैं। उसके लिए फीमेल आवाज़ रखना है या मेल आवाज़ रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वॉइस ओवर हो जाने के बाद एडिटर को आप सारी चीज़ फुटेज और वॉइस ओवर आप दे देते हैं, ऑडियो का फाइल आप ऑडियो की फाइल वेब फाइल में दीजिए अगर मिल जाता है तो। अब एडिटर क्या करता है, उसको पूरा टाइमलाइन पर बिछाता है, उसके जो आपका स्क्रिप्ट है उस हिसाब से। अगर आपको एडिटिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो हमारा जो कोर्स है उसको कर लीजिए, या मेरे इसमें जो बहुत सारे वीडियोस हैं उसमें आपको कुछ चीज़ें और मिल जाएगी एडिटिंग के लिए। ए रोल को पहले आप एडिट कर लीजिए, फिर बी रोल के जितने भी आपके फुटेजेस हैं वो जगह जगह पर आपने लगा दिया तो आपका काम यहाँ पर पूरा हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जंप कट ना आए, यानी किसी का इंटरव्यू अगर बीच से आपने काटा है तो वहाँ पर जंप कट को बचाने के लिए बी रोल का फुटेज वहाँ पर यूज़ करिए तो अच्छा रहता है। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करिए उसके लिए आप कॉपीराइट फ्री जो म्यूज़िक होता है जिस पर कि कोई क्लेम ना आए उस तरह का म्यूज़िक लीजिए। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो हमने बनाया है जिसमें आप कैसे फ्री में कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक आप ले सकते हैं, या अगर पेड वर्जन भी है तो पेड वर्जन में बहुत कम पैसे दे करके किस तरह से आप बेहतर म्यूज़िक का स्टॉक ले सकते हैं ये उसमें बताया गया है। एडिटिंग करते समय कोशिश करिए कि उसमें ट्विस्ट और टर्न आए ताकि लोगों को उत्सुकता रहे कि अब क्या होगा, यानी जो क्लाइमेक्स वाला पार्ट है उसका कुछ पोर्शन आप स्टार्टिंग में दिखा सकते हैं, लोगों को लगेगा अरे अब क्या होगा, तब तक से काट करके आपने किसी का इंटरव्यू डाल दिया और फिर आगे बढ़ा दिया, लोग समझ जाएंगे कि ये पार्ट हमको आगे देखने को मिलेगा, तो वो उसके साथ आपके फिल्म के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे। इस तरह से आप एडिटिंग वाइजली अगर करेंगे और कड़क एडिटिंग करें, कड़क का मतलब होता है बहुत शार्प एडिटिंग करना है, छोटा करना है, जो फालतू जहाँ पर भी बोरिंग का पार्ट लग रहा है वो बोरिंग पार्ट हटा देना है, उतना ही पोर्शन दिखाना है जितना देखने के लायक हो, जिसके बाद लगता हो कि इसके बाद तो बोरिंग हो रहा है उसको काट दीजिए। एडिटिंग हो जाने के बाद अब आते हैं हम 8th पॉइंट पर, यानी चेक लीगल एंड कॉपीराइट इश्यूज़। देखिए यहाँ पर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्री में ये देखेंगे कोई फुटेज ऐसा तो नहीं लग गया है जिस पर कोई कॉपीराइट हो, कोई म्यूज़िक ऐसा तो नहीं है जिस पर कॉपीराइट हो, या कोई भी ऐसा किसी का वक्तव्य तो नहीं है जो बाद में आपको दिक्कत पैदा कर दे, यानी आपको प्रॉब्लम में ला दे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, वो है ऑथेंटिसिटी का चेकिंग करना, यानी जो बात आप बताए हैं डॉक्यूमेंट्री में वो सही है कि नहीं। उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो एक बार फिर बुक उठा लीजिए, एक बार और रिसर्च कर लीजिए, रिसर्च पेपर जो आपने लिखा है उसको देख लीजिए कि किसी के बाइट में किसी के इंटरव्यू में कोई ऐसी बात तो नहीं चली गई है जो सत्य नहीं है। और अगर आपको लगता है कहीं पर कि ये बात हो सकता है ना भी सही हो तो वहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि ये इनकी वक्तव्य है, ये मेरी नहीं है। यानी एंकर उस बात को नहीं बताएगा, वो इंटरव्यूअर के थ्रू बताएगा, या अगर एंकर बताएगा भी तो ये बोलेगा कि सूत्रों से मालूम हुआ है कि यहाँ पर ऐसा होता था, इसके बारे में अभी पुष्ट जानकारी नहीं है, ताकि लोग ऐसे भ्रम में ना पड़ जाए। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए। और लास्ट में आता है 9 नंबर, यानी एंडिंग होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी जब आपका 8th पॉइंट क्लियर हो गया, आपकी डॉक्यूमेंट्री बन के तैयार हो गई, अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बताऊं तो एक तो होता है कि आप अपना यूट्यूब चैनल पर बनाइए, अपना शोरील बनाने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को रखिए और इससे भी इनकम जनरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री कहीं अच्छी हो गई तो आप इसे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म फेस्टिवल होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ को लिया जाता है, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर डॉक्यूमेंट्रीज़ को अलग से शोकेस किया जाता है, वो लोग डॉक्यूमेंट्रीज़ को परचेज करते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी है, नया है, नए सब्जेक्ट पर बना है, तो बहुत सारे चैनल आपको पैसे देकर वो डॉक्यूमेंट्री खरीद सकती है। इसमें बहुत स्कोप है। उम्मीद है ये 9 पॉइंट्स आपके काम आएंगे। अगर टेक्निकल चीज़ आपको सीखना है, फिल्म मेकिंग के बारे में डीपली आपको नॉलेज लेना है, तो हमारा आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। हज़ारों स्टूडेंट अब तक कर चुके हैं और अपने अपने जगह पर अपने करियर के मुकाम पर हैं, आप भी हो सकते हैं। या तो मेरे यहाँ या किसी भी जगह से अगर आप फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद अगर कोई भी काम आप अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता दुगनी हो जाती है। नमस्कार।